हेलो एंड वेलकम बैक इन द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज खेल रहे हैं हम हाउस फ्लिपर। इसमें बेसिकली हमारा काम होता है हाउस रेनोवेट करने के, पुराने कचरे से घर को एक बढ़िया लग्जरी घर बनाना होता है। उसमें फर्नीचर ऐड कर सकते हैं, उसमें कलर ऐड कर सकते हैं, मतलब पेंटिंग वगैरह जो भी होता है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टास्क मिलेंगे हमें हाउस क्लीन वगैरह करने के, और उन्हें उनसे हम बढ़िया अर्निंग करेंगे। और इसमें हम बढ़िया बढ़िया घर खरीद सकते हैं, और इसमें बहुत ही मस्त मस्त घर है भाई। अभी गेम सुनने में आपको उतनी इंटरेस्टिंग शायद नहीं लग रही होगी, पर आप देखोगे ना भाई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो भाई जल्दी से गेम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हो सामने, ये हमारा घर है और ये सामने नेबरहुड के घर इतने बढ़िया बढ़िया घर है। हमारा घर देख लो भाई, क्या बेकार लग रहा है यार ये भाई, कितना घर बेकार लग रहा है हमारा यार, कितना गंदा हो रखा है हमारा घर ये अंदर से भी। अपने घर को भी हमें क्लीन करना है और ये सारी चीज़ें हमें फिक्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये टॉयलेट है भाई, कितना गंदा हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो फिक्स करेंगे हम, पर इसके लिए हमें पैसे चाहिए। पैसे अभी हमारे पास $31 ही हैं, $31,000 ही है सॉरी। तो सबसे पहले हमें कोई टास्क ढूंढना होगा जिससे हम पैसे कमा पाएँ। तो लेट्स सी किसी की मेल वगैरह। और ये ब्राउज का फीचर देख रहे हो, इसमें से हम नए नए घर खरीद सकते हैं। अभी हमारा पुराना घर है, पर यहाँ पर देख रहे हो गेमिंग हाउस भी है और काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे। ओ भाई इतने देख रहे हो, जो मैं 2 लाख से मतलब 1 लाख से ऊपर घर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं यहाँ पे। तो ये लेंगे यार, अभी तो देख रहे हो हम एक सी घर के ओनर है खाली, इसकी वैल्यू 28,000 है। तो लेट्स गो बैक, चलते हैं मेल देखते हैं भाई किसी की आई है क्या। एक आई है मैथ, अच्छा इसकी एक मेल आई है। तो चलते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके घर की क्लीनिंग वगैरह करनी है और रेनोवेट वगैरह करना है इस घर को। तो भाई चलते हैं इस घर के पास, यहाँ से मेरे को लग रहा है अच्छे पैसे मिलने वाले हैं यहाँ पे हम। ये घर है और एक बार देखिए हमें करना क्या क्या है इसमें। इसमें हमें घर क्लीन वगैरह करना है, इसका पेंट वगैरह करना है, और क्या नाम है, लिविंग रूम हो गया, बेडरूम, बाथरूम, कॉरिडोर, अच्छा ये सब हमें क्लीन करना है और इस पर पेंट वगैरह करना है। तो भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चले तो चलते हैं अपने घर के। ओ भाई साहब क्या कूड़ा मचा रखा है घर में, इसे बंद करो पहले तो, लाइट भी खोलो, अंधेरा सा और खा है भाई साहब, क्या घर कूड़ा कर रखा है भाई घर का, ये देख रहे हो। अरे भाई साहब क्या कर रखा है कूड़ा यार ये, ऐसे करके उठा भी सकते हैं इसको, अलमीरा वगैरह अगर उठाना है तो हमें, पर इसको रहने देते हैं जहाँ पे पहले है वहीं पे रहने देते, शिफ्ट नहीं करते ज़्यादा कुछ। अच्छा इसे भी क्लीन वगैरह करना है ना हमें, पहले मैं सोच रहा हूँ इसी घर को मैं क्लीन वगैरह कर दूँ। ये कौन सा घर है, पहला रूम है ना शायद, हाँ इस रूम में है। इसके हमें डर क्लीन करना है, पहले तो विंडो भी क्लीन करनी है इसकी। तो लेट्स सी हमारे पास क्लीनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग की है। सबसे पहले क्लीन करते हैं भाई रूम को पूरा सा, और क्लीन होगा उसके बाद ही पेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि इतनी गंदी में पेंट कैसे करेंगे भाई। वॉल देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है इसकी। लेट्स सी भाई विंडो क्लीन है कि नहीं यार, अच्छा ऐसे करना क्लीन इसको, चलो भाई एक विंडो तो भी क्लीन हो चुकी है। लेट्स सी भाई दूसरी विंडो भी फटाफट क्लीन करते हैं अभी। ये भाई भाई कसम से मजा आ रहा भाई इसे खेलने में भाई, क्या मस्त आ रहा मजा आया क्लीनिंग में। चलो आओ विंडो भी क्लीन हो चुकी है, चलो भाई अभी पेंट दी क्या है, अभी क्या चीज़ है अभी ये करना है, पेंट विद द कलर्स और पेस्टल पिंक, पिंक कलर करना है हमें, पिंक कलर में बाय कर दिया अभी तो। और नहीं यार पेंट कैसे करना है इसमें से बार, अच्छा पेंटिंग का है तो हमारे पास, इसको डिप कर दिया हमने। अभी पूरी वॉल क्लीन करते हैं, वॉल करते हैं ये भाई, ये सारी वॉल सारी करनी खाली दोबारा से, अच्छा दोबारा डिप करना पड़ेगा, डिपिंग खत्म हो चुकी है पूरी। चलो भाई ये वॉल इतनी आधी वॉल तो हो चुकी है यार, 7% क्लीनिंग हो चुकी है। क्या पेंट कहाँ गया, पेंट खत्म ना हो जाए बस, और ज़्यादा खर्चा बैठ जाएगा मेरा अपना। पर अर्निंग अभी अच्छी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है, 953 अर्निंग हो चुकी है। आप सबको दिख रहा होगा राइट में ये प्रोग्रेस बार है, ये प्रोग्रेस बार है, और जैसे प्रोग्रेस बार बढ़ते रहेगा ना उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होती रहेगी।
चलो भाई दोबारा से डिप करते हैं इसको। चलो भाई इतना भी हो चुका है अभी तो। सारा पिंक कलर करने के लिए बोल रहे हैं भाई, ये दूसरा कलर पसंद ही नहीं है इनको तो। लेट्स, कोई नहीं, जो भी कलर बोलेंगे हम तो वही कलर कर देंगे। क्या पता अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, बेटी का रूम बहुत सारा थी पर ये पिंक कलर लग नहीं रहा मेरे को, पता नहीं क्यों, ये तो पर्पल सा लग रहा है। ये भी, ये वाली वॉल तो हो चुकी है अभी, बस ये वाली वॉल करनी है हमें। अरे यार ये भाई ख़त्म हो चुका है हमारा कलर, दोबारा कलर खरीदना पड़ेगा। सोच रहा हूँ मैं स्मॉल ही खरीदूँ, ज़्यादा महंगा भी, लार्ज 35 का है, स्मॉल ही खरीदते भाई अभी तो। इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। और हमारा रोलर कहाँ गया, रोलर ये रहा। चलो इसको डिप करो, तो भाई ये वाली भी होने वाली है, बस लास्ट बचा हुआ है। इसको डिप थोड़ा थोड़ा डिप, अरे कलर ना ख़त्म हो जाए बस दोबारा से। चलो भाई ये भी हो चुका है अभी क्लीन, दो देखो दो वॉल तो हमने कर दिए अभी, बस ये लास्ट वॉल है आई थिंक। डिप करो भाई फटाफट, सारा क्लीन, सारा हमें वॉश करना, मतलब सारी वॉल हमें पिंक करनी है। तो अभी 46% हमने पेंट कर दिया वैसे तो। भाई पेंट खत्म हो रहा है, खर्चा बैठ रहे आ रहा है मेरा, बढ़ते आ रहा है। इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं 1500 मिल चुके हैं डॉलर, और अभी तो थोड़ा बहुत और क्लीन करना भाई अभी। चलो कोई नहीं, पेंट में ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे वैसे तो। लेट्स गो भाई फटा, मज़ा आ रहा भाई इसमें कदम से। ये भी हो चुका है अभी तो, ये बाकी है और ये बाकी है, तो मेरे ख्याल से अभी हो जाएगा एक मीडियम डिब्बे से। मीडियम ही लेते हैं अभी, तीन मीडियम डिब्बे लग गए भाई इतने से घर में, मेरे को तो लगा था एक से हो जाएगा। 65% हमने पेंट कर दिया अभी तो, बस होने वाला है बस अब। और यहाँ से बढ़िया अर्निंग होगी भाई इस घर से यार, ऐसे धीरे धीरे करके ना भाई एक बढ़िया से घर लेंगे अपने लिए भी। पर भाई मज़ा बहुत आ रहा है इसमें, इसे बंद करो भाई पहले। ये भी हो चुका है पूरा भी शायद, अरे ख़त्म हो गया भाई पेंट, बड़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है कि और डिब्बे ना लग जाए बस। मेरे को तो लगा ये वॉल है ही नहीं हमारी, मतलब ये करना नहीं, वैसे ये येलो सही लग रहा था उसका यार, सारे कलर चेंज करके गलत कर रहा है इन्होंने। मेरे से पूछते ना तो मैं बताता एक ही कलर कराओ, पहले कलर ही मेरे को सही लग रहा था ज़्यादा, पहले वाला जो पहले और का था इस वॉल में ना वो ही सही लग रहा था पहले। अलमारी को उठा के मैं साइड पर रखना पड़ेगा पहले, इसको यहाँ पर रखते हैं। अच्छा ये तो बचा था ना, मेरे को लग ही रहा था। बस भाई पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है अभी सारी, बस पूरे घर की पेंटिंग हो चुकी है। तो पहले अलमारी को वापस वहीं पर रखते हैं जहाँ पे उठाया था हमने। चलो भाई अलमारी पर रख दिया हमने, पेंट का क्या काम है अभी, पेंट का इसको हम दोबारा सेल कर सकते हैं, इसको वापस सेल करते हैं भाई। चलो भाई सेल कर दिया, कुछ तो पैसा आया अभी हमारे पास। ये रूम का हो चुका है, और अभी इसमें और चीज़ खरीदनी है अभी मेरे को। अभी हमें ये जो सारी चीज़ दिख रही है ना, ये हमें बच्चे के लिए खरीदनी है, इसके घर में बेबी कोट ये खरीदते हैं एक हम। इसको ना थोड़ा सा रोटेट करके मैं सोच रहा हूँ ऐसे लगाएं क्या। हाँ चलो भाई ये बेबी का लगा दिया अभी हमने, और अभी हमें क्या करना है, बुक केस भी लगाना है। अच्छा बुक केस भी लगाना है, कौन सा कलर खरीदे भाई, ये वाला सही लग रहा है। बुक केस नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे। बुक केस ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगे। चलो भाई बुक केस भी लगा दिया अभी तो हमने, और अभी लगाना है हमें ये क्या चीज़ है, कैबिनेट विच चेंजिंग टेबल। अच्छा ओ भाई काफ़ी मस्त मस्त लग रहे हैं वैसे तो, उसमें डोर ब्लैक नहीं वाइट ही सही है वैसे तो, ये वाला सही है।
इसके बदले में शायद वो मतलब अभी तो हम लगा रहे हैं अपने पैसे पर, ये बाद में ये हमें पैसे देंगे। इसको इसको यहीं पे लगा देते हैं। चलो ये भी लगा दिया अभी हमने। और एक क्या लगाना है, ये तो पफ कहते हैं इसके, पफ। हाँ पफ। चलो भाई ये पफ को लगाते हैं, पफ को मैं सोच रहा हूँ। हाँ पफ को यहीं पे लगाते हैं, बच्चों के साथ जो भी बैठेगा ना यहीं पे सही रहेगा भाई। चलो भाई आप देख रहे हो अब काफ़ी अच्छा हो चुका है रूम। पफ हमें दो लगाने क्या? अच्छा पफ दो लगाने थे शायद मेरे ख्याल से। एक दूसरे कलर का खरीदते हैं पफ को। पफ को मैं सोच रहा हूँ एक पफ यहाँ पे लगाते हैं। चलो भाई ये रूम हो चुका है पूरा 100% क्लीन। देख रहे हो सारी चीज़ें इस रूम की तो हो चुकी है भाई। चलो दूसरे रूम में चलते हैं। अब मेरी अर्निंग में देख रहे हो $3,000 हो चुकी है हमारी अर्निंग। आप देख लो भाई क्या मस्त रूम लग रहा है भाई। तो लेट्स गो, इस रूम को भी बंद करते हैं और सबसे पहले तो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, जो भी क्लीनिंग वगैरह यहाँ की, पहले जो भी रूम वगैरह उसकी कर दी। ये कौन सा रूम है? ओ भाई नहीं, क्या हाल कर रखा है इस रूम का यार। पहले तो ये सब कर दिया, इसको अभी क्लीन करते हैं फटाफट। चलो भाई ये भी क्लीन हो चुका है, अभी ये भी फटाफट क्लीन करते हैं। पर काफ़ी गंदा घर कर रखा है इन्होंने यार भाई। इतना गंदा घर कौन करता भाई। पर कोई नहीं, अपने तो पैसे बन रहे भाई, अर्निंग मस्त हो रही बस। अच्छा विंडो क्लीन करनी है तो भाई उसके लिए तो हमें क्लीन है विंडो क्लीनिंग के लिए तो अलग होता है ना ये रहा। अबे तो सेविंग वाला लग रहा है, पता है सेविंग करते हैं वो लग रहा है ये तो। पर पता नहीं भाई मेरे को तो क्या नाम, पता नहीं क्या है इसका नाम भी नहीं पता मेरे को उसका। चलो भाई ये तो अभी क्लीन होने वाला है फटाफट। ये विंडो तो क्लीन हो चुकी है पूरी, अभी ये विंडो भी करनी है। चलो भाई फटाफट ये विंडो भी क्लीन होने वाली है अभी। लेट्स गो भाई। चलो भाई ये विंडो भी क्लीन हो चुकी है अभी, और इसके थोड़ा बहुत ये क्लीन यहाँ पे ये क्लीन करना है। चलो भाई ये भी क्लीनिंग, अभी क्लीनिंग पूरी कोई नहीं हुई अभी तक। अब क्या बचा क्लीनिंग? अच्छा ये है क्लीनिंग बेड। एक मिनट, रूम भी हो चुका है अभी 100% क्लीन। अभी कोड क्या नाम है इसका, अभी बाहर का है, इसको बंद करो भाई, रात हो चुकी है अभी। ये रूम तो हम पहले ही कर दिया था। टॉयलेट भी बाकी है यार अभी तो, बाथरूम। अच्छा सॉरी बाथरूम बाकी बाकी है। फटाफट भाई बाथरूम भी क्लीन करते हैं अभी तो। भाई इतना गंदा कर रखा है इन्होंने बाथरूम ना। बाकी ये तो नहीं है क्लीन करने के लिए ऐसे। हाँ अभी भाई पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, 100% क्लीनिंग हो चुकी है। अभी दो रूम बाकी है बस, लिविंग रूम बाकी है। तो भाई फटाफट चले भाई, आधा काम तो हो चुका है बस थोड़ा बहुत का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, इस रूम का क्या हाल बना रखा है इन्होंने। लाइट कहाँ से खोलती है इसकी, पहले तो लाइट खोलो। अबे नहीं भाई साहब क्या गंदा कर रखा है रूम ये वाला, ये रूम तो पूरा ही कूड़ा हो रहा है इनका भाई। इतना गंदा रूम कौन करता है। चलो भाई फटाफट क्लीनिंग करते हैं यहाँ पे। तो भाई 4,700 की अर्निंग कर ली हमने भाई, नाइस। बस थोड़ी सी और क्लीनिंग करनी है। 45% क्लीनिंग तो हो चुकी है वैसे भी। इस रूम को भाई बढ़िया सा बना देंगे ना, ओनर भी देखेगा तो मज़ा ही आ जाएगा उसको भी। चलो भाई अभी तो ये भी हो चुका है, विंडो भी हो चुकी है, ये विंडो भी हो चुकी है, और ये विंडो भी करते हैं फटाफट से। विंडो फटाफट क्लीन करो भाई। चलो
सो सेटिस्फाइंग वर्क, सो सेटिस्फाइंग भाई। ओ भाई मेरी विंडोज अभी एक, इसके बाद एक लास्ट विंडो बची हुई बस, उसको क्लीन करना है बस, बाकी तो सब कुछ हो चुका है इस रूम का। ऐसे इस रूम में ज़्यादा काम नहीं था, खाली कूड़ा गिरा हुआ था बस, ये लास्ट बची हुई है बस। और यहीं पे क्लीनिंग भी करनी है थोड़ी सी, यहाँ पे गंदा भी बहुत हो रहा है यहाँ पे। चलो भाई अबे हो तो गया अभी, क्या बाकी है इसमें। चलो भाई ये भी हो चुका है, और थोड़ा सा आप क्लीनिंग करना है बस। इस रूम का भी सारा काम हो चुका है फट। अब भाई क्या जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। तो भाई मेन अभी कॉरिडोर बाकी है, तो फटाफट से इसको भी क्लीन करते हैं भाई, बस ये लास्ट बाकी है इस घर में। वह काफ़ी बड़ा घर था इनका, और काफ़ी ज़्यादा काम था इनके घर में। पहले पेंट वगैरह करा हमने सारी, अब बच्चे के लिए नया सामान लाए हम। अच्छा यहाँ पे क्लीनिंग बाकी है, पता बिना फ्लैश लाइट लिए ना मुझे ज़्यादा पता भी नहीं चल पाता। ये भी क्लीन हो चुका है अभी, और कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा अभी। सारे काम हो चुके भाई अभी, ये भी 100% चाइल्ड रूम भी हो चुका है, कॉरिडोर भी हो चुका है, लिविंग रूम भी हो चुका है, बाथरूम, बेडरूम, बाथरूम सब कुछ कर दिया भाई अभी। तो भाई चलते हैं अभी, झाड़ू को रखते हैं अंदर और चलते हैं भाई। चलो भाई घर कर दिया हमने कंप्लीट बिल्कुल, और 5600 टोटल हमारी यहाँ से अर्निंग हुई है अभी। चलो भाई आप देख लो, पहले ऐसा था अब देख लो ऐसा हो चुका भाई, क्या मस्त कर दिया हमने। और ये रूम देख लो पहले ऐसा था और अब ऐसा कर दिया हमने। और ये भाई ये वाला रूम देख लो भाई बहुत गंदा था, ये भी ये अब क्लीन हो चुका है बिल्कुल। और ये रूम सबसे ज़्यादा गंदा था भाई, ये भी चलो हमने बढ़िया कर दिया अभी, तो ओनर आते ही खुश हो जाएगा भाई देखते ही। ये भी क्लीन हो चुका है अभी, तो भाई सारी चीज़ें भी क्लीन हो चुकी है। आई वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आगे जाके हम अपना बड़ा घर भी लेने वाले हैं भाई, अभी तो हमने छोटा सा घर है हमारा, पर आगे हम ऐसी टास्क करने कम्प्लीट और भाई बढ़िया अर्निंग करने वाले हैं। तो चलो अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए भाई बाय बाय।